हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आज है 20 मई और बहुत ही तेज़ बारिश लगी हुई है। ये देख सकते हैं आप, आपको कैमरे में दिखेगा नहीं लेकिन शायद आपको पीछे आवाज़ आ रही होगी बारिश की। हनी पानी के साथ खेलना, नहीं तो मैं अंदर रख दूँगी। मैंने हनी को टोपी और जैकेट पहनाया हुआ है। आपको मैं दिखाऊँगी, नदी इतनी ज़्यादा बड़ी हुई है, कल से लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है। और ये बारिश 2013 में जो आपदा आई थी यहाँ पे केदारनाथ में, सेम वैसी बारिश हो रही है, जो कि मतलब लगातार जो बारिश थी कि जो रुक ही नहीं रही थी, उसके बाद ऊपर से बाढ़ आई थी। और जो ये नदी के किनारे जो घर बने हुए हैं उनको मुझे लग रहा काफ़ी डर लग रहा होगा कि ये बारिश बंद नहीं हो रही है। काफ़ी ज़्यादा पानी बढ़ा हुआ है नदी में। मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से, और कई जगह बादल भी फट रहे हैं। तो प्लीज़ यार, आप लोग घर के अंदर रहिए, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और ठंड की वजह से सर्दी जुकाम लगेगा बच्चों को। और ये बिल्कुल नहीं रुक रहा था लेकिन मुझे लगा चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ बाहर। और यहाँ पे अच्छा है, ऊपर से पूरा छत है तो इसलिए पानी पूरी इधर आ नहीं रहा है। और इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो गई 2021 में उत्तराखंड में, इतनी जगह मतलब जगह जगह आपदा आ रही है, बादल फट रहे हैं और आज भी 2-3 जगह बादल फटे हैं। ऊपर से कोरोना वायरस, फिर ब्लैक फंगल जो कि काफ़ी खतरनाक होता जा रहा है। उत्तराखंड में भी 28-29 ब्लैक फंगल के केसेस आ चुके हैं और बाहर तो बहुत ज़्यादा हैं, कई मर भी रहे हैं उस वजह से। कोरोना ऐसा तो था कम से कम कि कोरोना से एक हफ्ते की मतलब लोगों को टाइम मिल पा रहा था ऑक्सीजन तक, हॉस्पिटल तक जाने के लिए, उनको ऑक्सीजन देने के लिए, मतलब ये चीज़ों के लिए एक हफ्ता लग रहा था, मिल जा रहा था आदमी के पास, तब जाके किसी को कुछ हो रहा था, कोई रिकवर कर जा रहा था, ये चीज़ें हो रही थी। बट ब्लैक फंगल के उसमें क्या हो रहा कि अगर कोई जल्दी इलाज नहीं करवा पा रहा है तो 3 दिन के अंदर ही उनकी डेथ हो जा रही है। तो बहुत खतरनाक ये हो गया है और डर भी लग रहा है। एक बार मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखा देती हूँ, आप लोग देख लो और कमेंट करके बताना किस किस के वहाँ बारिश हुई थी, ज़रूर बताइए। वैसे तो सभी जगह बारिश हो रही है मुझे लग रहा है। मत कर हनी, ये आप देख सकते हैं कितनी खतरनाक नदी बढ़ी हुई है। आवाज़ इतनी तेज़ आ रही है कि अंदर हम बैठे हुए हैं तो डर लग रहा है आवाज़ सुन के। और ये देखो लगातार जो रिमझिम वाली बारिश होती है ना, वो लगातार चल रही है और इसी में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। जो ये बारिश लगातार होती रहती है, हल्की रहती है लेकिन लगातार हो तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है इसमें पहाड़ी इलाकों में। और ये देख सकते हो आप, नदी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा। और जो ये घर है ना, ये देख सकते हो आप नदी के किनारे, इनको काफ़ी डर है। रात रात ये लोग सोते नहीं हैं, सोते तो कोई भी नहीं है बरसात के टाइम पे जब बरसात होती है, क्योंकि डर के मारे लोगों के। एक बार इतना मतलब ख़तरनाक जो हादसा हो चुका है यहाँ अगस्त मुनि में। और ये देख सकते हो आप कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है, गधेरे देखो ये निकलने लग गए हैं छोटे छोटे से। ये देखो वेदर, राजा अच्छा रनिंग कर रहा है नहीं? हाँ ठीक है ठीक है, करो। तो अभी हम आ गए हैं अंदर पे और मैं बना रही हूँ चाय। थोड़ी सी चाय पहले की बची हुई थी, उसी के ऊपर मैंने पानी डाल दिया। पीछे क्यों, पीछे क्यों आना? पहले मम्मी चाय बना रही, उसके बाद आई। चलो चलो आ रही हूँ मैं, चलो। ओके बाय हनी, बाय। पापा को बोल मैं चाय बना रही हूँ, जब पापा को बोल हनी के पीछे आ जाओ। ये टोपी उसकी छोटी हो गई, बचपन की टोपी है। और ये है अदरक, अदरक वाली चाय है ना, अदरक वाली चाय।
मॉर्निंग एवरीवन। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, कल शाम को मैं वीडियो नहीं बना पाई। चाय के बाद आपने एक छोटी सी क्लिप देखी होगी जिसमें नदी जो दिख रही है वो मेरे हस्बैंड ऑफिस गए थे, तो मैंने इनसे कहा कि थोड़ी सी बना देना, देखते हैं कैसा बड़ा हुआ है पानी, है ना। तो नदी काफ़ी बड़ी हुई थी, काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी। और सुबह के टाइम पर मैं बना रही हूँ रोटी, चावल, सब्जी, दाल, सब कुछ। और ये मैंने दो चार रोटियाँ तो पहले बना दी थी, और तब मेरे को याद आया चलो यार अपना ब्लॉग भी कंटिन्यू कर देती हूँ। फिर मैंने कैमरा खोला और हनी के पापा अभी भी सोए हुए हैं। और तो बगल पे मैंने बनाई है आज लौकी चना की दाल। एक प्रेशर कुकर में मैंने चावल रखे हुए हैं, और ये मैंने बना रखी है करेला और भिंडी थोड़ा थोड़ा सा। और देख आप देख सकते हो हनी के पापा और हनी अभी भी सोए हुए हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। और कल शाम को मैं उसके बाद वीडियो नहीं बना पाई, वैसे हो गया, हनी ने फ़ोन मांगा, फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। और आज मौसम काफ़ी अच्छा है, धूप लगी है, बादल तो हैं लेकिन धूप भी है साथ ही साथ। और अभी मैंने आधा खाना तो बना दिया है, रोटी बना दी है, दाल बना दी है, और लौकी चना बनाया है मैंने आज, और भिंडी करेला थोड़ा थोड़ा वो बना दिया है, क्योंकि भिंडी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, और करेला मेरे को भी पसंद है, इनको भी पसंद है, तो वो बनाई। और अब चावल बनाने रह गए हैं, तो पहले दाल को छौंक मारूंगी, फिर बनाऊंगी चावल। सिर्फ चावल रह रखे हैं, और अभी तक हनी के पापा और हनी सोए हुए हैं। और इतनी जल्दी जल्दी मुझे इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि इनको जाना है ऑफ़िस, या ऑफ़िस जाएंगे साइड कहीं भी, मतलब जाएंगे। तो हनी के उठने के बाद हनी बिल्कुल मुझे छोड़ता नहीं है, मम्मी दूध, बस उसको दूध पिलाना पड़ता है, उसके बाद वो छोड़ता नहीं है, तो अपना खाना बनाए रहेगा। तो ये है कि है ना, बच्चे को भी देख लेंगे। और ये, और आज मैं सोच रही हूँ थोड़ी धूप और लग जाती तो मैं हनी को भी नहलाऊंगी, क्योंकि दो या तीन दिन हो गए हैं, दो दिन तो लगातार बारिश थी और आज धूप है, तो मैं सोच रही हूँ अगर धूप लग जाती, मैंने पानी गर्म करने के लिए तो लगाया है, जैसे अगर वो उगता है उसके बाद मैं उसको नहला दूँगी थोड़ी देर बाद। तो टाइम हो रहा है आई थिंक 9:30 होने वाला है, तो टाइम 9:30 होने वाला है, और मैं एक बार आपको बैक कैमरे से दिखा देती हूँ कितना अच्छा लग रहा है सुबह का मौसम। ये देखो लोग सुबह के टाइम पर सामान लेके आ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद दुकानें बंद हो जाएगी, आधा से ज़्यादा दुकानें तो बंद हैं बट कुछ खुली है। आपको लग नहीं रहा होगा ना धूप लगी हुई है, लेकिन धूप लगी है, देखो आधे में धूप लगी, बिल्कुल बादल लगे हुए हैं देखो, और धूप भी है साथ ही साथ, देख सकते हो आप, धूप लगी है और बादल देखो, पूरे बादल छाए हुए हैं, मतलब बारिश आने की संभावना है। कोई नहीं, ऐसे धूप भी रहेगी तो, आजकल गर्मियों का मौसम है, तो मैं हनी को नहला दूँगी और ख़ुद को भी नहाना है। तो यह है सुबह का व्यू, कितना सुंदर लग रहा है ना। के बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है ना हनी, हनी नहा गया और टाइम हो रहा है 9:30, 9:30 से पहले हनी नहा के अभी खाना खा के यहाँ पे बैठा हुआ है और मुझसे कह रहा है मम्मी फोन दो, और मैं फोन में क्या देखूंगा, फोन चाहिए, फोन चाहिए, तो हाय मौसी बोल दो सब। बस ये देखो इसका शुरू हो गया, मैंने कहा एक बार आपको दिखा दूं। और हनी तो नहा गया है, अब इसके बाद मैं नहाऊंगी, तो चलिए तब तक देती हूँ फोन हनी को, फिर बात करूंगी आप लोगों से, बाय हनी। ये बस ये देखो रोना शुरू, बाल अभी भी इसके गीले हैं, ये देख सकते हो। और दिन का टाइम था आई थिंक 11:30 करीब, नहा के आए और हनी को भी देख सकते हो आप कैसे खेल रहा है इधर। और कपड़े कुपड़े हनी के पापा के थे, मेरे थे, हनी के थे, तो मैंने सारे कपड़े धो के, अभी धूप लगी हुई है, आपको कैमरे में थोड़ी हल्की दिख रही होगी लेकिन काफ़ी तेज़ धूप लगी हुई थी,
पता नहीं क्यों इतना हल्का दिख रहा, क्योंकि किसी, हाँ इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि किसी टाइम बादल आ जा रहे थे तो इस वजह से हल्की धूप दिख रही है। और हनी के पापा के कपड़े मैंने कहा धो देती हूँ जब आएंगे, उसके बाद वो नहाएंगे तो तब है ना कपड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि ऑफिस के कपड़े भी होंगे फिर बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। आपको हनी के पीछे से आवाज़ आ रही होगी, हनी सोचा मम्मी ब्लॉगिंग कर रही है, कह रहा मेरी कार दिखाओ, बस उसको भी यही शौक है। और आप देख सकते हो बादल भी लगे हुए हैं काफ़ी, और धूप जब लगी तो इतनी तेज़ लगी कि बता नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई। और मैं अपना वीडियो भी यहीं पर एंड करती हूँ, मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। और ये सब पे मैंने चिमटियाँ लगा दी हैं, तो चलिए फिर मिलती हूँ, बाय, टेक केयर।